उधर देश की सीमाओं से सटे जो महासागर हैं, वहां पर भारतीय सेना अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। और इसी कड़ी में लक्षद्वीप में नेवी और एयरफोर्स की तरफ से नए मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि चीन की चालाकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। आइए खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लक्षद्वीप अब तक अनछुआ था, सैलानी जाते थे लेकिन कम जाते थे। अपने सुंदर नजारों और अनछुए साफ सुथरे बीच के लिए जाना जाने वाला लक्षद्वीप को अब एक नई पहचान मिली है। ये पहचान तब मिली जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पूरे देश के सामने रखी। स्नॉर्कलिंग से लेकर स्कूबा डाइविंग तक और सूर्योदय की शांत सैर तक की तस्वीरें जब देश से लेकर विदेश के लोगों ने देखी तो सैलानी भी आकर्षित हुए और सैलानियों को एक नई खूबसूरत जगह मिली छुट्टियों के लिए। लेकिन अब लक्षद्वीप की अपनी अलग पहचान है और उसी के साथ लक्षद्वीप को एक और नई पहचान मिलने जा रही है, ताकि दुश्मनों को अरब सागर में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। दरअसल अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप अब भारतीय सेना का भी गढ़ बनने वाला है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्र तैयार करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार देश की समुद्री सीमाओं के पास चीन की लगातार बढ़ती गतिविधियों को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजिक लोकेशंस पर मौजूद अपने इलाकों में मिलिट्री बेस स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसी योजना के तहत लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने की योजना पर काम शुरू होने वाला है। लक्षद्वीप के 2 द्वीप पर मिलिट्री एयरफील्ड बनाए जाएंगे। लक्षद्वीप समूह के आखिरी द्वीप मिनिकाय पर नया एयरफील्ड बनेगा, जबकि अगाती द्वीप पर मौजूदा हवाई क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इस मिलिट्री प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व भारतीय वायुसेना करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के साथ तटरक्षक बलों की भी भागीदारी होगी। बताया जा रहा है तीनों सेनाओं ने इस प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव दिया था, जिस पर अब केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि इन एयरफील्ड्स पर सैन्य विमानों के साथ ड्रोन और मिसाइलों की तैनाती भी हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि सैन्य हवाई पट्टियों का इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए भी किया जा सकेगा, जिससे लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं इस प्रोजेक्ट से भारत से सुदूर दक्षिण पश्चिम जल क्षेत्र में भी निगरानी हो सकेगी। चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ा रहा है, जिसके बाद अब तक शांत और अनछुए रहे इस क्षेत्र में सेना की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप की स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके द्वीपों का सैन्य इस्तेमाल भी किया जाएगा। लक्षद्वीप का मिनिकाय द्वीप मालदीव से सिर्फ 50 मील दूर है। चीन मालदीव में लगातार दखल बढ़ा रहा है। इलाके में चीनी नेवी के शिप भी एक्टिव हैं। मालदीव की समुद्री सीमा में भी आते हैं चीनी शिप। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर चीनी नेवी कई अभियान चला रही है, इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए ये मिलिट्री स्टेशन बेहद अहम साबित होंगे। चीन के प्रभाव में आकर मालदीव लगातार भारत से दूरी बना रहा है, जबकि भारत विरोधी शक्तियों के साथ लगातार दोस्ती बढ़ा रहा है। मालदीव के इस करतूत से भारत के रक्षा हितों पर असर पड़ सकता है, इसीलिए भारतीय सेना भी इस इलाके में खुद को मजबूत कर रही है, जिससे किसी भी संभावित चुनौती को समय से पहले खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग। गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था ये जहाज। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड का टैंकर पलट गया, 2 लोग जख्मी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को लिया हिरासत में। जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। शाहजहांपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 1 शख्स हुआ जख्मी। डंपर चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र में निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत। पुलिस मामले की कर रही जांच।
बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत हुई, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दो दिन से लापता व्यापारी का तालाब में मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। दिल्ली एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक को किया गिरफ्तार, 49 लाख की दवाइयां इसके पास से बरामद, कजाकिस्तान का बताया जा रहा है ये यात्री, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, बस से अफीम करते थे ट्रांसपोर्टेशन। बुलंदशहर का सर्विलांस टीम ने गुम हुए 25 लाख रुपए के 120 मोबाइल फोन किए बरामद, डीएम और एसएसपी ने बरामद किए मोबाइल फोन, उनके मालिकों को सौंपे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सोशल मीडिया एक्स पर उनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और वो वर्ल्ड लीडर बन गए हैं इस मामले में, जिस पर एलन मस्क ने उनको बधाई दी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। एक्स पर पीएम मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। ऐसे में देश विदेश के मशहूर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी बीच एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी को एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनने पर बधाई दी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिनके 37 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पोप फ्रांसिस तीसरे स्थान पर हैं, जिनके 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लोगों के मामले में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं, 109 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ टॉप पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश के हिंसा में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू, पहले जत्थे में 245 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है, जिसमें 125 छात्र शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हिंसा, लगातार जारी हिंसक प्रदर्शन में 4 और लोगों की गई जान, ढाका समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बाधित। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर, आपको बता दें 2500 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जख्मी, देश भर में स्कूल और विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में भी कई उड़ानें हुई ठप, न्यूजर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर फंसे कई विमान। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे WWE चैंपियन हल्क होगन, ट्रंप को अमेरिका का बताया रियल हीरो, उत्साह से लबरेज होकर हल्क होगन ने अपनी शर्ट फाड़ दी। तेल अवीव में हमले के बाद धुएं के गुबार का वीडियो आया सामने, यमन के हौती विद्रोहियों ने तेल अवीव के ऊपर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली, हमले में एक शख्स की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन करे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई, हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण क्षण बताया, ICJ ने कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इसराइल की मौजूदगी गैरकानूनी। जापानी विदेश मंत्री कामिकावा का कोसोवो दौरा, कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती और विदेश मंत्री डोनिका गर्वला से मुलाकात की और कहा कि पश्चिमी बाल्कन में शांति और स्थिरता पूरे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण। तुर्की में जंगलों की आग कई दिनों बाद भी बेकाबू, तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक जा पहुंची, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जोश हॉल का बाइडेन पर बड़ा आरोप, कहा जानबूझकर कमजोर सुरक्षा ट्रंप को दी गई। इंडोनेशिया के बाली में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट समेत 5 लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती।